सुप्रातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हितोपदेश के 100वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसका पूर्व प्रसंग है कि जब लघुपतरंग नामक कव्य ने देखा कि रणक ने चित्रगेहू के बंधनों को काट दिया है, तो उसको विद्वान और मित्रता के योग्य लगा। उसने सोचा कि इससे मित्रता कर ली जाए, तो वह हिरण्यक से मित्रता के लिए कहता है। तब हिरण्यक क्या कहता है, वो यहां से शुरू होता है। यत येन युज्यते लोके बुध तत्पेरि योज्यते अहम अन्न भवान भोक्ता कथम प्रीति भविष्यति। अन्वय लोके येन यत युज्यते बुध तत्तेन युज्यते अहम अन्नम भवान भोक्ता प्रीति कथम भविष्यति। हिंदी अर्थ है, संसार में जिसके द्वारा जो युज्यते मिलने योग्य होता है, विद्वान तथा तेन उसको उसके साथ ही मिलाते हैं। अहम अन्नम में भोजनों भान और आप भोक्ता भोजन करने वाले प्रीति करने, अतः में प्रेम कैसे होगा अर्थात नहीं होगा। अब और भी भक्ष्य भक्ष गयो प्रीति विपत्ते कारण मतलब श्रृगालाद पाश बद्दोष मृग का रक्षित। अन्वय भक्ष्य भक्ष गयो प्रीति विपत्ते कारण मतम श्रृगालाद पाशबद्ध अशो मृग काकेन रक्षित। इंद्रियते भक्ष्य और भक्षक इंद्रियों की प्रीति आपत्ति का कारण बन जाती है। जैसे सियाद वह जाल में फंसा गया ही वही वो विषय बचाए गए। वायसो एवरी कवि का ये कैसे एने कहते थे, अस्ति मगध देशे चंपकवती नाम अरण्यानी की मगध देशे चंपकवती नाम के वन है। तस्याम चिरात मेहता से मृग का को निविष्ट है, उसमें लंबे समय से प्रेम के साथ कौवा हिरण रहते हैं। सच मृग और वह हिरण स्वेच्छया ब्राह्मण अपनी इच्छा से घूमता हुआ इष्ट पुष्टांगों वाला केनचित किसी श्रृगाले न अवलोक सियार के द्वारा देख लिया गया। तम दृष्टा श्रृगालोचित उसको देखकर सियार बोला, सोचा आहा कथम एतत् मांसम सुलेतम भक्ष्यामि, कैसे इसके सुलित मांस को खाऊं। बहुत अच्छा विश्वासम ताव उत्पाद्यामि इति आलोच उपसृत्यवृत। विश्वास इसमें विश्वास पैदा करता हूं इति आलोच्य ऐसा सोचकर उपसृत्य पास जाकर वो बोला, मित कुशलम ते मित तुम कुशल हो मृगणोक्त। हिरण्य का कस तुम आप कौन सब रूते बोला, क्षुद्र बुद्धि नामक जम्बुक मैं क्षुद्र बुद्धि नामक सियार हूं। अत्र अरण्य बंधुहीनो मैं तो एकाकी निवसामि, इस जंगल में बंधुओं से ही मरे इस बार एकाकी रहता हूं। इदानीं त्वं मित्र आसाद्य पुनः स बंधु जीव लोक पृष्ठवस्मि, इस समय त्वं आपको मित्रम आसाद्य मित्र पाकर आपको मित्र के रूप में पाकर पुनः सबंधु परिवार वाले के से जीव लोकम संसारों की स्थिति को प्रविष्टोस्मि प्राप्त हो गया।
अधुना त्वानुचरेण मया सर्वथा भवितव्यमस्ति। अधुना अब तुम्हारे अनुचरणेन सेवक सहचर सेवक के रूप से मया मेरा सर्वथा भवितव्य पूर्व सर्वथा सब कुछ भवितव्य होएगा। मृगेणोक्त मृगेण एवमस्त ऐसा हो। तत्पश्चात उसके बाद तंगस्ते सवित्री भगवती मरीच मालिन त्वमृगस्य वासभूमि गतो। उसके बाद पश्चात अस्तंगते अस्त हो जाने वह सवित्री भगवान सूर्य की मरीच मालिनी किरण की माला वाले तव वे दोनों मृगस्य हिरण की वासभूमि निवास स्थान को गए। चंपक वृक्षाकाया सुबुद्धि नामक काको मृग चिन्वित्र वहां चंपक वृक्ष की शाखा पर सुबुद्धि नामक कव्य का मित्र पुराण मित्र रहता था। तब दृष्टवा उसको देखकर कौवा बोला उन दोनों देखकर कौवा बोला सके चित्रांग अरे मित्र चित्रांग कोय बुद्धि ये दूसरा कौन है मृग बुद्धि जंबु को अयम अस्म सख्य इच्छा लागत है ये है सियार है हम हमारी मित्रता को चाहते हुए आया है। चौक तो देखा अज्ञात कुलशील वासुदेन कश्य मार्जारस्य हितोषेण हितोग्रतो जर्द अने अज्ञात कुशील से कश्यचित वासन दिए ई मारदार से दूसरे ने जरद गवर ग्रद्ध है कहने का है कि अज्ञात सील वाले बिना कुल आचरण को जाने हुए किसी को भी नहीं ठहरना चाहिए जैसे कि बिडाल के दोस्त से जरद गवर नाम का गिद्ध मारा गया गिद्ध मार जा रहा था गिद्ध और बिल्ली कथा अस्थि भागीरथ तीरे गृद्ध कूट नामनी पर्वते महान प्रकटे वृक्ष भागीरथी के किनारे गृद्ध कूट नामक पर्वत पर वहां वृक्ष का पेड़ था। तस्य कोटरे उसके कोटर में देव दुर्विपाकात कृत नख नयनो जरित गव नाम गृत प्रतिवर्ष उसके कोटर में भाग्य के विपरीत होने से गलित गले हुए नाखून और पंख वाला जरित गव नामक गिद्ध रहता था। अत कृपया तद जाओ तद जीवनाय तद वृक्षवासी न पक्ष न स्वाहारा किंचित किंचित उद्धृत्य तस्मिन् दति अथ कृपया इसके बाद कृपा से दया से पक्षी सारा अपने भोजन से किंचित किंचित कुछ कुछ उद्धृत्य निकाल कर तस्मिन् दति उसको देते थे। 1300 जीव थी जिससे वो जीवित रहता था। ते सब सावक रक्षा करते उनके सावकों की रक्षा करता था बच्चों की रक्षा करता। अत कदाचित दीर्घकर्ण नामा मारदार पक्षी सावकान पक्षी तत्रागत है। इसके बाद कभी दीर्घकर्ण नाम का बिड़ाल पक्षियों के बच्चों खाने के लिए वहां आया तथा तम आयांतम उसके बाद तब उसको आया देखकर पक्षी सावक पक्षियों के बच्चों ने भय आरता भय से डरकर सभय महा कोलाहल कृत
कोलाहल किया यानी आवाज की, तत्सुत्वा उसको सुनकर जरद गवे ने, जरद गव को एम आयदि ये कौन आया, दीर्घ कर्ण गृतम लोक से बहमा, दीर्घ कर्ण गिद्ध को देखकर डर के साथ बोला आह अतो से मैं तो मारा गया, ये तो एम माम व्यापादिशति, ये तो क्योंकि ये तो मुझको मार डालेगा, अथवा तावत भयस्य बेतम यावत भयम अनागतम, अनागतम तो भयम विक्षे न कुर्यादित हो जित, अनबे यावत भयम अनागतम तावत भयस्य बेतम तू भयम आगतम विक्षे न रहित हो चित, यानी यावत जब तक भय नहीं आता तावत तब तक भय से डरना चाहिए, तू भयम यदि भय आ जाए, भयम आगतम भय आ गया तो विक्ष देख, यदि भय तू भयम आगतम विक्ष तो भय को आया हुआ देखकर नर यथोचित मनुष्य को यथोचित करना चाहिए। अधुना अति सन्निधाने पलायत मक्षम, अधुना इस समय अति सन्निधाने बहुत निकट आ जाने पर पलायत मक्षम भागने के लिए अयोग्य हूं, तद इसलिए यथा भवितव्य तथा भवतु, इसलिए यथा जो होना होगा तथा भवतु वो हो, तावत तब तक विश्वास उत्पाद्य समीप उपच्छा में विश्वास पैदा कर इसके पास जाता हूं, इत्यादि ऐसा सोचकर तब उपसृत्य उसके पास जाकर बोला आर्य त्वम अभिवंदे, आपको नमस्कार, गिरदो अवद गिद्ध बोला कर तुमको स्व मार जा रहा मैं बिल्ली हूं, गिरदो गिद्ध बोला दूरम सुर नोचेत अंतव्यशिमय, दूरम सुर नो दूर हट जाओ नहीं तो तुम मेरे द्वारा मार दिए जाओगे, मार जा रहा बिल्ली बोला सुरेता तावत मोच जरा मेरे वचनों को सुने तो यद हम बद्य तथा अंतव्य, तो उसके बाद यदि अहम बुद्धे में मारने योग्य तदा अंत तो मार दिया जाना चाहिए, ये तो क्योंकि जाति मात्र ने किम कश्चित बुद्धते पूज्यते क्वचित व्यवहार प्रज्ञाय बुद्ध पूज्यत्व होए, अनवे किम कश्चित क्वचित जाति मात्र ने बुद्धते पूज्यते व्यवहार प्रज्ञाय बुद्ध अथवा पूज्य होए, क्या कोई व्यक्ति कहीं पर केवल जाति से ही मारा या पूजा जाता है, अर्थात नहीं किंतु आचरण कारण ही मारने था पूजने योग्य होता है, गृद्धो ब्रूते इद बोला ब्रूही किम अर्थम आगतोसि, किस लिए यहाँ आयो, सो वो बोला अहम अत्र गंगा तीरे नित्य स्नायी निरामिषाशी ब्रह्मचार्य चंद्राणाय व्रतम आचरण दृष्टामि, वो बोला मैं यहाँ गंगा तीर पर नित्य स्नान करने वाला निरामिष मांस खाने वाला ब्रह्मचारी चंद्राय व्रत में आचरण दृष्टामि आचरण करने वाला करते हुए रहता हूँ, उस्मान आप धर्म ज्ञान ज्ञान तथा प्रेम विश्वास भूमि आप ज्ञान के धर्म ज्ञान में लगे हुए प्रेम विश्वास भूमि प्रेम और विश्वास के स्थान बने हुए इन पक्षियों के सर्वे सदा सब
हमेशा ममा अग्रे पस्तवंति, मेरे आगे उपस्थित करते हैं। अतो बहुत व्यो विद्या व्यो वृद्धि व्यो धर्म शोध में गत, इसलिए आपके विद्या वय विद्या वय और वृद्धि व्यो विद्या तथा उम्र में अधिक बने हुए धर्म के स्वरूप को स्रोत जान सुनने के लिए आया हूँ। भवंत चैता धर्म के यम तथम अंतमुद्यता, आप ऐसे धर्मज्ञ हो या जो मुझे को मानने के लिए तैयार हो। ग्रस्त धर्म है, ये ग्रस्त का धर्म है। अराव अराव्युचितम कार्यम आतिथ्यम गृहम आगति चेतु पार्श्व आगत पार्श्व गताक्षाया नोप सनति में ध्रुव अनवे गृह आगते आरोपी उचितम आतिथ्यम कार्यम ध्रुव पार्श्व पार्श्व गता चेतु छाया न उपसनति। घर आए हुए शत्रु का भी उच्च सत्कार करना चाहिए, जैसे कि वृक्ष भी अपने को काटने के लिए आए व्यक्ति के पास से अपनी छाया को दूर नहीं करता है। किंच और भी यदि अन्नम नासित था सुप्रीतेना अपि वत्सा तावद् पूज्येव, यदि अन्न भी नहीं है तब भी सुप्रीतेनासी प्रेम या मधुपूर्ण वचनों से भी तावत उस अतिथि की पूजा की जानी चाहिए। तथा जिसे कहा गया है त्रिणानि भूमि उद्गम वाक चतुर्थी से सुनता एक तरह इस्लाम के न उच्चे कदाचन, त्रिणानि भूमि उद्गम चतुर्थी वाक सुनता चैतान्य अभी स्तम गेहे गेह जाओ, यदि मतलब है कि मृतन को बनासन बैठने के लिए भूमि स्थान पाल प्रक्षाण जल और चौथी मधुर वाणी, ये वस्तु ये तो भले आदमियों के घर में अवश्य होती है। अन्यच और भी बालो यदि वह वृद्धो युवा वा गर्म आगत है तस्य पूजा विधा तद्य सर्वशाभ्यगत हो गुरु, अरे यदि बाल वा वृद्ध युवा वा गृहम आगत तस्य पूजा विधातव्य अभ्यगत सर्वस्य गुरुस्ति, यदि बालक या वृद्ध या नव्य कोई भी घर आया हुआ हो तो उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सबके लिए गुरु के समान पूजनीय होता है। अपरंच और भी निर्गुणेश भी सत्वेशु दया को जन्तिम साधव है नहीं संहरति जो स्ना निर्गुणेश भी सत्य दया कुरवंती साधव नई संधि जो चंद्र चांडाल अन्वय साधु निर्गुणेश भी सत्य दया कुरवंती ही चंद्र चांडाल वेशमन जो न संधते, इंद्र सज्जन लोग गुण रहित प्राणी पर भी दया करते हैं, जिससे कि चंद्रमा चांडाल घर से अपने चांदे को हटा नहीं लेता। अतिथि यश्य भग्नासु गृह प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यवादायं गच्छति, अन्वे यश्य गृह अतिथि भग्नासु प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यवादायं गच्छति। इस श्लोक में अतिथि या अभ्यागत के महत्व का वर्णन किया गया है। कहा है जिस व्यक्ति के घर से अतिथि असफल मनोरथ वाला होकर लौट आता है वह अतिथि उस घर को अपना पाप देकर तथा उस घर वाले का पुण्य लेकर चला जाता है। इति एक सुनो।